बस बढ़िया सर। और बताइए। हाँ हाँ कह रहा था वो हमारे जो मित्र हैं मनीष कुमार मिश्रा जी पार्लियामेंट वाले, तो जी वो जो है 20 तारीख के आसपास मतलब भोपाल जाएंगे, है अच्छा, वेरी ना? गुड तो वेरी गुड बेटे का एडमिशन तो हो गया है, तो जी अब जी वो मिलने के ख्याल से जो है ना जाएंगे, तो मैंने उनसे कहा है कि आप हमारे सर से भी मुलाकात करके आइएगा जरूर आपके जरूर बारे में, जरूर जरूर, सभी का स्वागत है। मैं तो सभी से मिलता हूँ, और लक्ष्य भी यही है कि अपने लिए जो तो सब लोग जीते हैं, जानवर भी जीते हैं, कुछ देश के लिए कर जाओ। और अभी आज मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने यही कहा है कि अलेक्जेंडर से ही कुछ सीख लो। विदेशी क्रूर व्यक्ति जिसने जाने कितनी हत्याएं की हैं, वो जाते जाते दो तीन चीज़ें की गई है, कह गया है, उसी से सीख लें कि खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाओगे। ये जो भी संपत्ति अर्जित कर रहे हो, ये सब आपका दिव्य स्वप्न है। ये सोना चांदी हीरे जवाहरात, इसकी मूल जो है धूल बराबर है। ये आपका जो है 1 जून का खाना भी नहीं जो है आपको दे सकते हैं। ये सब शुद्ध दुष्टता है, और ये दुष्ट जो है दुष्ट दुष्ट राजनेता जागें सुनो तो सही, दुष्ट राजनेता जागें के साले क्यों इन लोगों ने दुष्टतापूर्वक अंग्रेजों के नियम कानून गुलामी के हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। आपका जो ये डायलॉग है, इस डायलॉग में थोड़ा सा मैं एडिशन करना चाहता हूं। जरूर करिए, फिर इसमें एक नया टॉपिक जो है ना, फ्री बाइज वाला जो है, से बोलिए। मुफ्तखोरी वाला जो है, मुफ्तखोरी, फ्री बाइज, फ्री बाइज, वो सब चीज है, फ्री। देखिए ये फ्री वाइज जो दे अब रहे हैं, ये जो देखो है ना देखो जस्ट ए स्पेसिफिकली, मिनट, ये अपने पिताजी की ये नींद फॉर है। एग्जांपल केजरीवाल, एक सेकंड, फॉर एक एग्जांपल सेकंड, केजरीवाल। एक सेकंड, मैं थोड़ी सी आपकी बात को कह दूं, फिर आप उसे विस्तार करिएगा। मैं ये कह रहा हूं, अभी जो है दुष्ट केजरीवाल गया, उसने 80 हजार रुपये, 80 हजार करोड़ की जो है फ्रीबी बांटने की घोषणा की। एक दूसरा दुष्ट जो है पप्पू गया, उसने 1.25 लाख करोड़ की जो है बांटने की कोशिश की। तो ये तो जो है दुष्टों दुष्टों का वो है, ये तो दुष्टों का वो है, और इसके लिए तो क्या करोगे आप बताइए। नहीं, इसमें मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जो करना चाहता हाँ हूँ, हाँ बताइए। मैं सबसे पहले एक FIR दर्ज करना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अब किस टॉपिक पर आप करना ये चाहता किस हूँ वो, आप एक मिनट जो एक है मिनट आप एक मिनट, क्या क्या मात्र FIR एक दर्ज मिनट दे करोगे, दीजिए सर। किस धारा की हाँ FIR दर्ज वही। करोगे? नहीं, पहले सुन लीजिए ना, नहीं, संज्ञेय एक मिनट अपराध दे की धारा दीजिए मेरे बताइए ना को। कि इस धारा के तहत हम अपराध वो करेंगे, क्या अपराध किया उसने? हाँ हाँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। हाँ उसने जो है मतलब एक मुख्यमंत्री जो शपथ लेता है ना, कोई भी मुख्यमंत्री, तो यही कहता है कि मैं अपने राज्य के में या देश में की मतलब जाति, लिंग, भाषा, संप्रदाय, इसके खिलाफ मतलब मैं किसी एक के प्रति बायस्ड नहीं होऊंगा, है ना? और सबों को इक्वलिटी के हिसाब से, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी जो संविधान में है फंडामेंटल राइट्स के रूप में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी रक्षा करूंगा, समानता के अधिकार की रक्षा करूंगा, राइट? बिल्कुल सही। तो अरविंद केजरीवाल ने दो प्रमुख रूप से रूल्स का वायलेशन किया। पहला तो ओके समानता के अधिकार, ओके समानता के अधिकार का उल्लंघन किया। कैसे? कि उसने पर्टिकुलरली महिलाओं को फ्री सिप दिया बस में यात्रा करने का, ठीक है? अब तुमने किसी पर्टिकुलर गरीब महिला का, विकलांग महिला का, विधवा महिला का, निराश्रित महिला का के प्रति नहीं किया है, वो पूरी की पूरी महिला को किया। हाँ अब हाँ पूरी की पूरी की महिला को करना, तो सीधे लिंग के प्रति किया, यानी महिला फीमेल को किया। तो फीमेल संविधान में यह वर्णित है कि किसी पर्टिकुलर एक लिंग के प्रति आप नहीं कर सकते, एक जाति के पर्टिकुलर नहीं कर सकते, एक संप्रदाय के प्रति नहीं कर सकते, एक धर्म के विशेष के प्रति नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वो डिसीजन जो है वो एकल माना जाएगा, वो बहुसापेक्षीय नहीं माना जाएगा। आप इसका मतलब एक के प्रति ज्यादा चिंता कर रहे हैं और दूसरे के प्रति आपकी कोई लायबिलिटी नहीं तो है, इसका शपथ मतलब ये हुआ। शपथ का वायलेशन किस धारा के तहत अपराध होगा जिसकी आप FIR अब करेंगे? बता रहे हैं उस पर, पहले वो सेकेंड स्टेप का चीज है, फर्स्ट स्टेप पहले सुन लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं नहीं कर रहा, ये तो दिल्ली सरकार का जो डिसीजन है जिसमें उन महिलाओं को फ्री में, जो 30,000 रुपए की मोबाइल पॉकेट में रखी हुई है,
उसको भी फ्री में क्या कहते हैं वो दे रही है। दूसरी बात, आप दिलचस्प बात आप देखिए, दिल्ली में जो बस में आप यात्रा करेंगे तो यहाँ दो तरह का पास बनता है, तीन तरह का पास बनता है, पास डेली पास, वो है 40 रुपए का। 40 रुपए का पास केवल हरी वाली बस में वैल्यूड होगा, ठीक है सर। 50 रुपए वाली जो पास है वो हरी वाली और लाल वाली दोनों में वैल्यूड होगा। लाल वाली मतलब एसी बस, ठीक है, एसी बस में जो लाल वाली जो एसी बस है उसमें वैल्यूड होगा। और बाकी जो इलेक्ट्रिक वाली बस ही चली है, जो चार्जिंग चार्ज करके चलती है इलेक्ट्रिक चार्ज, और दूसरा ब्लू कलर की एसी बस चली है, उसमें पास वैल्यूड नहीं होगा। डेली वाला पास वैल्यूड नहीं होगा। उसमें कौन सा पास होगा, वो उसमें 1 मंथ वाला जो ऑल रूट वाला जो पास है वो केवल वैल्यूड होगा सारी बसों में, ठीक है सर। ये है दिल्ली का ग्राफिक्स। अब इसमें क्या है, अब इसमें पेश क्या है, देखिए, महिलाओं को सारी बसों में फ्री कर दिया है, महिलाओं को सारी बसों में फ्री कर दिया। और मैं मर्द हूं, मैंने पास खरीदा है, मेरा जो 40 रुपए वाला पास है, मेरा जो 50 रुपए वाला पास है वो इलेक्ट्रिक वाली बसों में और ब्लू वाली जो एसी बस है उसमें वैल्यूड नहीं है। अब आप समझ गए मेरी बात। तो मर्दों के साथ ही अन्याय क्यों, मैं महिलाओं का विरोधी नहीं, तुमने महिलाओं को फ्री कर दिया, वेल एंड गुड, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समानता के अधिकार का तुमने उल्लंघन कैसे कर सकते हो, जब संविधान में ही समानता का अधिकार है, जितना प्रेफरेंस महिलाओं को होगा उतना पुरुषों को होगा, दोनों जब समान है। ये दुष्ट राजनेता लेफ्ट राइट और सेंटर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, आप कहां किस दुनिया में हैं सर। हाँ तो एक मिनट, मैं तो पॉइंट टू पॉइंट केवल बात कर रहा हूँ, मैं तो मात्र दो पॉइंट उसका पकड़ लिया। एक तो बस की फ्री यात्रा, उसमें उसने एक वर्ग को वोट बैंक बना करके यूज कर रहा है, वो फ्री नहीं किया है, उसका फ्री करने का कोई इरादा नहीं है, पूरा का पूरा वोट बैंक को कैप्चर करना, उसको सेंटिमेंटल बनाना, और वो फ्री के लॉलीपॉप में जब आ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका वोट के प्रति सेंटिमेंट झुकेगा और बस उसके प्रति झोली खुल जाएगी, ये है उसका पर्पस, नंबर वन। नंबर टू, अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक की जो परिभाषा है उसमें मुस्लिम आते हैं, उसमें बौद्ध आते हैं, उसमें ईसाई आते हैं, उसमें जैन आते हैं। जैन का जो कैटेगरी है वो रेयरेस्ट कैटेगरी है, रेयरेस्ट मतलब सबसे ज्यादा जो कम परसेंटेज जो है वो जैन का है। बावजूद इसके अल्पसंख्यक मतलब सरकार ने, किसी भी सरकार ने, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अल्पसंख्यक मतलब एकदम अंडरस्टूड हो गया 101% मुसलमान। व्हाट इज दिस, अल्पसंख्यक वो है ही नहीं अल्पसंख्यक। और अगर उसको अल्पसंख्यक माना गया तो अल्पसंख्यक की मतलब वो है कि टोटल पॉपुलेशन में, एक होता है पॉपुलेशन को काउंट किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर, एक होता है प्रदेश स्तर पे, और एक होता है जिला स्तर पे। तो जिला स्तर पे अगर पॉपुलेशन का ग्राफ लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे जिले मिलेंगे आपको जहां पर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है, तो वहां मुस्लिम बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक कहां से हो गए अगर जिला का आंकड़ा लिया जाए तो। ठीक उसी तरह से बहुत ऐसे जिले मिलेंगे जहां पर क्या कहते हैं स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो हिंदू जो है अल्पसंख्यक है। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट का ले लीजिए, अरुणाचल का ले लीजिए, है ना, तो वहां क्या है, हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, वहां क्रिश्चियंस ज्यादा है। तो और बहुत जगह जो है जैसे लिया जाए वहां पर जो बौद्धिस्ट है तो वो है, अब उनको तो कोई तवज्जो ही नहीं दिया गया। अब क्या किया इसने, 44,000 रुपया पर मंथ दिल्ली वक्फ बोर्ड के फंड से मौलानाओं को, और मोइजीन कहते हैं जो अजान के टाइम का असिस्ट करता है अजान और नमाज का, तो उस मोइजीन को 14,000 और मौलाना को 18,000। पहले ये 14,000 दे रहे थे, अब उसका एक मुझे थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए मेरा, क्या वक्फ बोर्ड पे शासन का नियंत्रण है, ये वक्फ बोर्ड के पैसे से ये कैसे दे सकता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो ये दिल्ली सरकार के फंड से अलोकेट किया गया है, उसका मैं आरटीआई से रिपोर्ट जो निकला है वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप देखिए। नहीं तो आप बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड उससे दे रहे हैं, बोर्ड की तरफ से दे रहे हैं, तो बोर्ड की तरफ से कैसे दे रहे हैं, अब कैसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो
बात का विषय है, दे चुके हैं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। इस देश में संविधान की किसी ने इज्जत की? आप बताइए संविधान में क्या? हाँ सर यही तो बात है, यही तो बात है। उसका जो मंत्री था ना अमानुल्ला खान, अरे अभी आपको दो मिनट में आपके पूरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, अभी सुनिए एक मिनट के लिए मुझे। आप मुझे बताइए क्या इस देश का संविधान प्रेसिडेंट को ये अधिकार देता है कि वो कोई आर्टिकल संविधान में घुसेड़ दे नोटिफिकेशन से? देता है? हाँ हाँ या नहीं बोलो। नहीं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 35 ये कैसे घुसा संविधान में जिसने इतना? तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, उस टाइम में हुआ ना, इस टाइम में उसी संविधान के द्वारा उसको हटाया भी जा सकता है। हम ही कह रहे हैं कि वो संविधान ने प्रावधान ही नहीं किया था, आपने प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से उसे घुसाया, जो शुद्ध असंवैधानिक एक्ट है सर। धारा 370 जब हट सकती है तो ये क्यों नहीं हट सकती है? आप धारा 370 का जवाब हट चुका है, आप तो हट चुका है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दुष्ट राजनेताओं को संविधान से कोई लेना देना नहीं है। आप ये बताइए माइनॉरिटी कमीशन कैसे बन गया? नहीं, इसमें मोदी जी देर क्यों कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। मोदी जी क्यों करेंगे, मोदी जी को सत्ता में रहना है, मुद्दे खत्म कर देंगे तो अगली बार सत्ता में कैसे आएंगे? अब तो राज्यसभा सर, लोकसभा राज्यसभा दोनों में बहुमत है। अरे तो वो आप गोली गोटी लाल कर सकते हैं। अरे आप भाई, मुद्दे कम हैं, मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर अगली बार भी तो सरकार बनाना है उनको, तो है स्पेशल सर पार्लियामेंट का सेशन बुला करके। और अभी सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप ये बताइए नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी बैसाखी की कॉलिशन गवर्नमेंट ने 1951 में आपसे न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया, जो है वर्से प्लेसेस एक्ट 1991 जो का सेक्शन 4 कहता है नो कोर्ट्स, कोर्ट्स आर डिवार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। तो आप तो न्याय की भीख नहीं मांग सकते। आप ये बताइए, बातें तो लंबी हो जाएगी। दो पॉइंट खाली मैं कह रहा हूँ, मैं जो करने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे ये तो बता दो, आप मुझे बता दो कि किस धारा का जो है ना अपराध बनेगा, इतना बता दो बस। केवल आप एफआईआर तो तभी होगी ना जब कोई कॉग्निजेंस। मैंने केवल एक मिनट, आप लोगों में सर बात यह है कि एक होती है अर्थ और एक होता है भावार्थ। अभी जो मैं केवल भावार्थ कर भावार्थ रहा हूं, भावार्थ की बात कर रहा हूं, अर्थ की बात नहीं कर रहा। एफआईआर दर्ज होती है किसी सेक्शन का जो है ना वायलेशन होने पे, तो किस सेक्शन का वायलेशन हो रहा है वो बता दो। हाँ, वो सब उस सारे चीज पर मैं आरएनटी करके जब उसको फाइनलाइज करूंगा मैं सबसे पहले आपको व्हाट्सएप करूंगा। देखिए नहीं, लेकिन आज आपने सोचा है कि किन धाराओं के तहत अपराध बन रहा है वो? मैं उसको पूरा स्टडी करके आरएनडी करके करना जब तैयार करके फाइनलाइज करूंगा। स्टडी करने के बाद अपन विचार पे बात करेंगे ना, अभी बात करने से क्या फायदा है? अच्छा, दूसरा जो मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि आज के डेट में मेरी जानकारी के अनुसार एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उन्होंने लगभग 150 पीआईएल फाइल कर रखी है देश के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं। ये देश पीआईएल से चलेगा या देश का प्रधानमंत्री नियम कानून बदल के या नियम कानून रिपील करेगा? ये दुष्ट राजनेता अपने संविधान का निर्वहन करेंगे या हमें कहीं दूसरी जगह भीख मांगने जाना पड़ेगा? फिर हमने चुना क्यों है? मैं जहां तक समझता हूं, हमने इन दुष्टों को क्यों चुना है ये बताओ मुझे। इन दुष्टों को क्यों चुना? सर, लोकतंत्र जो चलेगा, लोकतंत्र जो है रही लोकतंत्र के सत्ता के लाभ के लिए चलेगा। लोकतंत्र में जो है ना ये हर चीज को जो है ना कोर्ट में आवेदन लगाएंगे, फिर हमने इनको सर कर दिया है। शक्ति दी क्यों है इनको? नहीं, सर मैं एक बात बताऊं आपको जी। हमारे कहने का मतलब कोई इसमें आपकी बातें बस वही वाली बात है कि आग कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, वायु कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ और जल कह रहा है कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल है और सब अपनी अपनी औकात दिखा रहा है। आज की जो परिस्थितियां है वो बिल्कुल उसी तरह है। सब औकात दिखाने वालों को चंद्रगुप्त वन के पराजित करो, एक सेल उसमें आ जाओ। आप कह रहे थे कि साहब मैं बड़ा कर दूंगा, मैं नंबर 2 पे हूँ, आप तो कहीं दिख भी नहीं रहे हो उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप में। मेरे ख्याल से आप सबसे नीचे वाले पायदान पे खड़े हुए हैं। वो क्यों नहीं है, इसका कारण पूछेंगे आप? हाँ जरूर पूछेंगे। हाँ, उसका कारण आपकी पॉलिसी है। अच्छा, आपकी पॉलिसी में, हमारी पॉलिसी में क्या दिक्कत है आपको?
क्या दिक्कत है? वही दिक्कत तो आप सुनना नहीं चाहते, कभी सुनाइए सुना ही नहीं, कभी सुनाइए, उस पर जोर से, चर्चा आप नहीं जोर की। से सुनाइए। आपने उसको क्या किया? बिल्कुल मतलब एकदम खोल दिया, अनकंट्रोल्ड कर दिया, कंट्रोलिंग है ये ही नहीं आप कह आपका। रहे हो, ये आप कायदे कह रहे सही हो, होना ये आप चाहिए आप आपके, नहीं, आप तो कमी कह रहे हैं, आपके बताइए। द्वारा कंट्रोल है स्कैनिंग कर कंट्रोल है दी। वो मेरे ऊपर छोड़ नहीं दीजिए, कंट्रोल अनकंट्रोल तो मुझे सर, करना सर है। सर क्या बात कर रहे हैं आप? उसमें भगवान के फोटो और फालतू फंड के जो चीज है वो भेजने वालों के भरमा रहे, आप उसको रिमूव नहीं कर रहे, नहीं एकदम नहीं नहीं स्ट्रिक्टली नहीं उसको नहीं मेरे हटाइए। मेरे यहाँ पे सबकी सब तरीके की भावना वाले, वो चंद्रगुप्त बने केवल लोगों को नहीं जोड़े, तो एक ही भावना वाले क्वालिफिकेशन रखिए, है। फिर आपका प्लेटफॉर्म किसी काम का नहीं रहेगा। आप, नहीं, मैं ये आपको आपका बता रहा हूं, सोचना है, ये आप प्लेटफॉर्म इस देश को इसमें बदल देगा, मैं आपको कह रहा हूँ। सर ऐसा नहीं बदला ये जाता ना। चंद्रगुप्त जो है इन राजनेताओं को पराजित करेंगे, इनके सामने हम भीख ऑब्जेक्टिव नहीं शो है। मांगेंगे, ये हमारे सामने भीख मैं मांगेंगे। क्या हाँ, बोल रहा हूं, मैंने देखी जो संस्था का एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है, वो आज आज आप देखो उस लिखा एम्स है, और आपने अभी ऑब्जेक्टिव कई से बार भेजा है, अलग आपने हट करके पढ़े, जो भी आर्टिकल होगा, आपने 21 लिखे हैं, 21 एम है उसके, देखे आपने क्रांतिकारी मैंने भारत मिशन आपके के। हाँ मैक्सिमम नहीं, मैंने आपके सारे आर्टिकल जितने भी पोस्ट रहते हैं मैं उन सबों को लाइक किया है, उपयोगी उपयोगी वाला पे मैंने सब पे क्लिक किया है, आपने गौर नहीं किया। आप नहीं, देखिए मैं वो पहले बात ही उसको, नहीं कह रहा ऐसी हूं, बात मैं तो नहीं ये है। कह रहा हूं कि चंद्रगुप्त बनने का दूसरी मतलब बात है मैं बात कह लोगों रहा को हूं, जोड़ना। आपने कितने लोगों को जोड़ा है ये आप बताइए। सर ऐसे जो जो आप उस जोड़ने का क्या फायदा? हम गधों को जोड़ करके क्या कर अरे लेंगे आप जो गधों उसका को इंपॉर्टेंस छोड़िए, किसी नहीं समझ रहे। ये गधे जो है ना कुछ नहीं करेंगे, चाणक्य करेंगे, चाणक्य ड्राफ्ट बनाएंगे, चाणक्य सब करेंगे, गधे तो सिर्फ अंगूठा सर लगाएंगे। आप अपने जिद पर अटल है, आप करके पहले देख ली। मैथिली शरण गुप्त 2024 में जो है इस देश को बदल देंगे, आप चिंता मत मैं करो। कर और यदि यहां। आप उसमें हमारे साथ नहीं होंगे तो सर तुमको क्या पत्थर बात मार कर के रहे हैं तुमको भी लात मार आप? जो देंगे। है एक तो अपने हम क्या कह रहे हैं, अपने एक यदि प्लेटफॉर्म यदि आप पर नहीं होगे तो आपको भी पत्थर मारेंगे और आपको भी लात मार देंगे। सर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बाद में क्या कंट्रोल कर क्यों लेंगे सर, क्यों बताइए ना क्यों, आप हमें मुझे। कंट्रोल करना ही नहीं है, हमें तो लोगों को जोड़ना है, चंद्रगुप्त बनाना है, कंट्रोल करना ही नहीं। आप करिए कंट्रोल, अच्छा तो ऐसा ही कंट्रोल चंद्रगुप्त हमारी बन सोच जाएंगे का हिस्सा ही नहीं जिनको है। जिनके भेजे में इतना तक समझ नहीं है कि इस पोस्ट हमें तो ये सब इसका भेजे यूटिलिटी चाहिए, क्या है। ये डेमोक्रेसी है, सब भेजे चाहिए, मुझे तो वोट चाहिए। ठीक है, आपकी अपनी सोच हो, ये मेरी क्योंकि ये सोच नहीं है प्रजातंत्र वैसे। है, इसमें इन दुष्ट राजनेताओं को ऐसी तरीके से हराया जा सकता है। नहीं, हमें हमें तो केवल जो ये है तुम्हारी एम्स सोच का और हिस्सा है, मेरी ऑब्जेक्टिव्स में सोच का काम हिस्सा करने नहीं वाले। है, ये मेरी हाँ सोच का हिस्सा नहीं है। हमारी सोच का हमें हिस्सा उस है तरह कि के चंद्रगुप्त वो बनाओ जो अधिक लोगों सनी को जोड़ेगा। महाराज हाँ? और रवि महाराज और फलाना ढिमका ये भेज रहा है, कप प्लेट भेज रहे हैं, प्लेट भेज रहे हैं, शादी भगवान की मूर्ति भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे सब हैं, अलाउड हमारे है, सब क्राइम अलाउड फ्री है, सबको अपनी मिशन आस्था का के ये साथ है जीने का अधिकार हमारे संविधान ने देके रखा है। सर। उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, नहीं, ये उसके लिए ये हमारे प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म नहीं में, है। हमारा प्लेटफॉर्म में सब सब लोग जुड़े हुए हैं। आई एम द आप अम्ब्रेला। मुझे एक बात बताइए, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, कैंसर अरे स्पेशलिस्ट छोड़ो, ये डॉक्टर तुम्हारे के पास डॉक्टर साहब केवल बेकार कैंसर का हैं, मरीज ये जाता है। सब स्पेशलिस्ट बने हुए हैं, कुछ ज्ञान ही नहीं है, सब दुष्ट लोग हैं। ये लोग जो है ना इस देश की जो है अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं, ये जो है नहीं, ना जिसके लिए बहुत उसमें सारी अच्छी उसमें आपका अच्छी जितना जड़ी बूटी परिश्रम है अवेलेबल ना हैं, ये सब सब डाइल्यूट हो रहा दुष्ट है लोग हैं, सब सर, दुष्ट लोग सब हैं, आपका सिर्फ सिर्फ डाइल्यूट हो धन रहा है। लाभ मैं आपको के। बता रहा हूं आपका पोस्ट कहां गुम हो रहा है, उस भीड़ में ये पता ही नहीं चलेगा आपको। कायदे से अरे आपको एकदम कहीं गुम स्कैनिंग नहीं करनी होगा, चाहिए, कहीं गुम नहीं होगा, हो ही सब रहा है ये। सर आप देखिए, आप अपने नजर से ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, आप दूसरों की नजर से भी ऑब्जर्वेशन किया है, फीडबैक अरे लिया नजर कीजिए, बात बदल किया जाएगी कीजिए। लोगों की, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन चलिए में चलिए गई तो चलिए मैं भी चलिए हो गई चलिए लाल। चलिए, आपकी ये गलतफहमी अति शीघ्र दूर हो जाएगी जब उसका परिणाम का एक समीक्षा करेंगे तो, ठीक है? हमें कोई तब हमारा समीक्षा करना ही सजेशन नहीं है, आपको हमें याद तो है। केवल चंद्रगुप्त बनाना है, कोई समीक्षा नहीं करना है। नहीं तो ठीक है, बने कितने चंद्रगुप्त बन गए अरे बताइए, बन जाएंगे, अभी 4,000 से ज्यादा बस हो बन गए जाएंगे हैं, अभी यार हर कितना चीज का। समय हुआ आप उसमें। दूसरे को तो सर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं कि समय पर न्याय नहीं मिलता, टाइम बाउंडेड नहीं है, आप खुद टाइम बाउंडेड नहीं है सर, किस चीज में नहीं आपको भी है तो टाइम बाउंडेड बनना पड़ेगा ना, यदि आप संकल्प करोगे आप तो भी 9 दिन तो में, संकल्प करोगे तो 9 दिन में होगा, और यदि तुम जैसे होंगे हाँ जो तो एक भी उसको जाति को नहीं जोड़ेंगे तो कभी नहीं होगा, नहीं, कैसे इन कैसे इन कैसे इस इनडेफिनिट तरह टाइम से पे नहीं जोड़ेगा होगा। नहीं तो हम आप तो कह रहे हैं कि सर? आप आप संकल्प करके 10 दिन का। महाजनो येन गता सपन्था, जो महाजन होते हैं जो लीड करने वाले होते हैं, जब उनमें अपने ही में त्रुटि रखेंगे, अपनी पॉलिसी में त्रुटि कोई रहेंगे, त्रुटि नहीं दूसरे है, के ये ऊपर में तुम्हारी कैसे दृष्टि में उंगली। त्रुटि है, ये तुम्हारी दृष्टि नहीं में सर, त्रुटि है, ये मैं आपसे ये असहमत आपकी हूं, दृष्टि में त्रुटि है। मैं आपसे असहमत हूं, आपको क्रिटिसाइज आपके नहीं कर असहमत रहा, होने लेकिन मैं से जो आपसे है ना असहमत त्रुटि नहीं आ जाएगी,
आपकी दृष्टि दोष में, आपके चश्मे से मैं यदि वो है तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। और आप ये ठीक है, PIL अच्छी लगा बात। के और ये करके जो है ना, ये हमारे जो शुद्ध राजनेता हैं जिनको हमने कानून बनाने के लिए और कानून बदलने के लिए भेजा है, वो अपना काम नहीं करेंगे। और आप जो है ना यहाँ दाएं बाएं PIL लगाते रहेंगे। अरे PIL तो जो है ना इसी आर्टिकल 35 के लिए भी 2014 में लगाई गई थी कि साहब जो है ये असंवैधानिक तरीके से आया है, ये दूध पीते बच्चे को समझ में आ जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जो है जज को 5 साल में समझ में नहीं आया कि असंवैधानिक है। आप PIL को, आप PIL को निष्प्रभावी मान रहे हैं, तो आपके तरीके से जो प्रभावी तरीका हो सकता है उसी तरीके से कर लीजिए, करवा दीजिए, तो लोग, आप जो, जनता आपको मान लेगी। हम तो लगे ही हुए हैं उसमें, तो बस तो सर लगे हम हुए तो हैं ना, उसी अभी काम वोट में नहीं लगे किया है हुए ना हैं 24 घंटे, उसी काम में, सर, उसी को सोते हैं, खाली उसी को लगे जागते हैं, रहने के उसी लिए को हम भी लिखते लगे हैं, हुए उसी को हैं, खाते हैं, लगे उसी को रहने के पीते लिए हैं। वो भी लगे हुए हैं सर। कौन लगे आप हुए दूसरे हैं? को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते ना, अब बहुत लोग लगे हुए हैं अपने अपने लक्ष्य को पाने तो के लिए, यही तो हर लोग लगा प्रॉब्लम हुआ है है अपने कि खुद तरीके को से। तो सीलो में ऑपरेट हाँ, करेंगे, कोई कहीं नहीं पकड़ेगा। ये जो है ना सबको अपना केजरीवाल बच्चा जैसे प्यारा लगता है सर, देशद्रोही लोग सरकार बनाएंगे, आप कहीं नहीं सबको रहेंगे। अपना आइडिया और सबको अपना आइडियोलॉजी बड़ा प्यारा लगता है, दूसरे की आइडियोलॉजी अच्छी नहीं लगती, दिक्कत यही आप बात जो है। इसमें जो है ना जो 21 लक्ष्य हैं, आप बता दीजिए कौन सा लक्ष्य आपको अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, लक्ष्य लक्ष्य होने से क्या होगा, लक्ष्य का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन वो बड़ा आसान है कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट लोगों ही को नहीं है सही, जोड़ो और बिना चुनाव प्रचार के उन्हें जिता बस दो और बस पार्लियामेंट हो के गया, मंदिर में यही बैठ के पार्लियामेंट में प्रचार जो कर है रहा है, कानून बना प्रचार दीजिए। आपका कर रहा है या भगवान का कर रहा है, कुछ का प्रचार आपका कर रहा है वो कपलेट और वो शुभकामना वाला वो कर रहा है, वो हमारा पर्पस है क्या? आपने तो उसको डिफाइन ही कर दिया है, जब तो उस डिफाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना पोस्ट सर। आप बताइए देखो मुझे, ऐसा है, आपने एक लाइन का इंस्ट्रक्शन डालना चाहिए कि इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही जो रहेगा ये पोस्ट वही देखो स्वीकार यदि किए जाएंगे, मुझे अन्यथा बहुत ज्यादा उनको गड़बड़ नहीं नहीं लगेगा, किया या जाएगा। गड़बड़ लगेगा मैं उसे जो ना डिलीट कर दूंगा, डिक्लाइन करने का मेरा हक नहीं, है। सब अननेसेसरी पोस्ट है, मोर देन 70% पोस्ट आर अननेसेसरी। अरे यार 70% से ज्यादा लोग जो है ना अननेसेसरी हैं, दे आर गुड फॉर नथिंग, तो आप उनको गोली मार दोगे क्या? बात गोली मारने की नहीं है, बात मैं गोली मारने की तो थोड़े फिर कह रहा बात हूं, ठीक है, आप एक लाइन का लिख हर दीजिए कि व्यक्ति मैं को इस अपनी तरह के बात पोस्ट कहने आप का हक है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, अपना नजरिया रखने की बात है। जब तक आपको वो बहुत पिंच नहीं कर रहा है कि भाई तू बहुत अरे सर, बोलता। उस नजरिया से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, नजरिया से पहले लेना देना तो अरे हो, यार कोई दिक्कत नहीं नजरिया है, वो हमें कह रहे हैं सिर्फ लोगों सर, को। नजरिया उसको कहते हैं, आपने अरे कहा कि यार सूरत आप पूरब मुझे में किसी उगता को है, विद्वान नहीं बनाना है, चंद्रगुप्त बनाना है, चाणक्य नहीं बनाना है। आपने कहा सूरज पूरब में उगता है, मेरा नजरिया है कि मैं कहूं कि सूरज पश्चिम में उगता है, ये तो नजरिया होता है, आप खुश रहिए ना उससे, लेकिन चलिए। मैं उस नजरिए से विमुख होकर के और तीसरे चीज की चर्चा करने लगूं, ये कौन सा नजरिया हो गया? देखो यार ये मैं आई डोंट नॉट वांट टू गो टू द नट एंड बोल्ट्स, मुझे जो है ना आप मछली की उसका आंख दिखना इंपॉर्टेंस ही नहीं चाहिए। समझ रहे हैं, नहीं वो मुझे एकदम चीपेस्ट बना दिया, चीपेस्ट, ये आपकी जिस सोच है, आइडियोलॉजी को लेकर के हम बात किए थे ना सर, वो मुझे नहीं लगा कहीं से भी, कहीं से नहीं लगा, आपके आपके क्या है सारे उसमें उसके अननेसेसरी उस और अरे आपकी क्या मतलब उसमें आपके कानून आइडियोलॉजी को कानून के ड्राफ्ट भेजे गए हैं, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बना ली गई है। आपके सोचने ना सोचने से मिस्टर गोपाल सर, प्रसाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके पोस्ट से ही मतलब नहीं है ना, और जो आपके जो आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग हैं जिनको आप तथा कथित चंद्रगुप्त कह रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी में भी तो झलकना चाहिए ना। उनकी आइडियोलॉजी की जरूरत ही नहीं है, वो चाणक्य के आदेश को पालन अरे क्या करेंगे, बात कर रहे हैं, बस वो चाणक्य के ठीक आदेश को पालन करेंगे। चलिए ठीक है सर, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।